नमस्कार दोस्तों, जो हमने फाइट वाइन बनाने का जो लॉकडाउन में मेरे पास जितना भी टाइम था तो मैंने उसमें स्पेंड किया है, जो आप देखेंगे ये अभी मैंने फ्रीजर से निकाल के लाया हूँ, जो उसका जो फाइट वाइन का क्लैरिटी बना है ये है डायरेक्ट जो मैंने लिया है, वो उसका भी एकदम क्लियर बन चुका है। अगर आप डिस्टिलेशन करना चाहेंगे, जो डिस्टिलेशन का होता है, डिस्टिलेशन हमारे यहाँ यानी इंडिया में बैन है, ये सिर्फ वीडियो एजुकेशन के लिए है, इसका कोई भी कमर्शियल मेरा यूज नहीं है, सिर्फ आपको दिखाना था कि डिस्टिल कैसे किया जाता है, जो स्पार्कलिंग वाइन डिस्टिल डिस्टिलेशन का आपका आपको वाइन दिखाई, ये डिस्टिलेशन वाला है, जो हमने वाइन बनाया था ये सिर्फ बॉटल में रख के फ्रिज में रखा था, और यही वाइन में हमने शुगर डाल के जो स्पार्कलिंग वाइन किया है, जो स्पार्कलिंग वाइन मैंने अंधेरे में अभी रखा है, और ये 2 महीने के बाद हम निकालेंगे। अब इसका टेस्ट करने का समय है, तो आपको मैं दिखाऊंगा प्रैक्टिकली कि उसमें जो क्लैरिटी कितना बना है। ये आप देख सकते हैं क्लैरिटी व्हाइट वाइन का जो बना हुआ है उतना बना है, और उसमें 4.5% अल्कोहल बना हुआ है। तो आप ये व्लॉग मेरा अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और जो मैंने विधि बताई है उसमें थोड़ा सा भी गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि अगर उसमें कुछ गड़बड़ होता है तो स्पिरिट या कुछ जैसे जो बैक्टीरिया होते हैं अलग टाइप के वो बनेंगे, और वो बहुत हार्मफुल है आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन कुमार, मैं अभी आपके लिए एक लॉकडाउन में जो मैं बोर हो रहा था इसलिए मैं सोचा कि अभी तो बेंगलोर रैप मिल नहीं रहा है, इसलिए मैं सोचा कि एक फाइट वाइन मैंने 2 साल पहले एक बनाई थी, लेकिन उसका वीडियो शूट नहीं कर पाया था, तो मैं सोचा कि अभी लॉकडाउन पीरियड में जो भी अवेलेबल होता है ग्रेप, इससे मैं एक वीडियो आपको दूँ, क्योंकि दो बार हमें धोना है, क्योंकि जो अपने पास पानी रहता है उसको 2 बार ऐसे चिल्ला के पूरा धोना है, क्योंकि जितने भी पेस्टिसाइड उसके रहेंगे वो सारा निकलने चाहिए, इसलिए हम पूरा उसको भिगो के 2 बार धोएंगे, 1 बार गर्म पानी से और 2 बार ठंडे पानी से। अभी पहला स्टेज चल रहा है जो ठंडे पानी से हम उसको, और हम इसको धोने के लिए गर्म पानी भी 2-4 लीटर जो है उसमें डालेंगे, क्योंकि जो गर्म पानी से उसमें जो बैक्टीरिया या जो औषधि या पेस्टिसाइड जो भी होंगे वो निकल जाएंगे। हमने पूरा गर्म पानी उसमें डाल दिया है, गर्म पानी से क्या होगा जितने भी एक्टिव बैक्टीरिया है वो मर जाएंगे पूरे, यदि गर्म हो चुका है। और ये हम जितना भी एक्सेसरी हम लेंगे तो उसको सारा गर्म पानी से धो के पूरा हमने डिसेंडर किया हुआ है उसको, यानी बैक्टीरिया अगर रहेंगे वो पूरा निकल पाए, क्योंकि अब उसका हम जूस बनाएंगे। जूस निकाला इस मशीन से,
तो आप देख सकते हैं उसका जो गुदा निकला है, गुदा इस टाइप से निकला है, यानी मेरे ख्याल से ये 11 लीटर होना चाहिए रस, यानी कि 1/3 इसमें वाटर मिलाना है हमें। तो गर्म पानी करके शुगर को मिक्स करना है, और जो मैंने इंग्रेडिएंट अभी लिए हैं तो आप दो बार इसको जूस को इससे निचोड़ के पूरा इसका जूस बनाइए। जूस थोड़ा ग्रीन टाइप का बना है, और 11 लीटर कुछ तो है। अभी जो इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए हैं, एक्चुअल में मेरे को लॉकडाउन के वजह से ये थोड़ा सा दालचीनी और जो लौंग बोलते हैं लौंग, ये चाहिए था, लेकिन मेरे को वो साइड में नहीं मिला, तो मैं उसको छान लूँगा जो भी है। ये मेरे को 50-50 ग्राम चाहिए था। और जो मैंने शुगर ली है वो येन किलो है, 3 किलो शुगर है, और 2 टाइप के ईस्ट मैंने मंगाए थे पहले, और ये एक है। तो मैं अभी देखता हूँ जो मेरे को हाई अल्कोहल आउटपुट देगा वो मैं ईस्ट इसमें यूज़ करूँगा। और जूस का जो हमें अभी ग्रेविटी देखना है, तो इससे हम ग्रेविटी देखेंगे अभी कि ग्रेविटी जूस का कितना बना है। अभी हमने इसमें 2 किलो शक्कर डाली हुई है। आपको जो भी चीज़ें लेनी है वो पहले स्टरलाइज करनी है, और मेटल का संपर्क मिनिमम हो। तो हम इसमें अभी घोलने जा रहे हैं जो 2 kg शुगर है। ये शुगर का क्या होगा आगे जाके कि जैसे जो फर्मेंटेशन है स्लो होगा, उसके बाद हम फिर ये करेंगे। हमने टारगेट रखा हुआ है कि 9% अल्कोहल अपना हो जाए। हमें अभी ईस्ट लेना है, ईस्ट का 11 लीटर यानी कि कम से कम 16 या 18 लीटर बनेगा। तो 2 लीटर के लिए तो अंदाजे से ये बनेगा, तो यानी कि ये 16 लीटर के लिए काफी रहेगा, और हमने थोड़ा सा बचा भी लिया है, क्योंकि जैसे वो फर्मेंटेशन स्लो होगा उस समय हम थोड़ा बहुत शुगर और ईस्ट ऐड करेंगे उस समय।
लॉकडाउन की वजह से मेरे को ये मसाला मिल नहीं पाया, इसलिए मैंने ये आइडिया निकाला कि आप उनके काम में सिर्फ इतना ही आने वाला, तो दालचीनी और लवंग हम सिर्फ निकाल रहे हैं उसमें से। और अभी एक 10 मिनट के लिए रुकते हैं। ये सारा मसाला हमने रखा हुआ है और ये ईस्ट अभी एक्टिव होने जा रहा है। पहले दालचीनी, जो दालचीनी हमने रखा था वो दालचीनी हम उसमें डालेंगे। और जो लौंग था हमारे पास, सारी लौंग हमने डाली है। एक्चुअली में हमें ज़्यादा चाहिए थी, लेकिन मिल नहीं पाई। और ये 20 मिनट के बाद गुनगुना पानी में हमने जो चार्ज के लिए रखा था ईस्ट, ये हम सारा उसमें डालेंगे। क्लीन रखे, जितना भी हो सके उतना क्लीन रखे उसको, क्योंकि एक्टिव बैक्टीरिया होने की वजह से। और उसके बाद हम जो मेरा ईयर लॉक बना हुआ है, ये ईयर लॉक इस टाइप से है, ईयर लॉक में ऐसा होता है कि जहाँ तक उसमें से जो भी गैसेस निकलेंगी वो बाहर तो आएंगी, लेकिन बाहर की हवा उसमें नहीं जाने वाली। इसलिए मैंने ये जुगाड़ जैसा ये वाटर का जो बॉटल है उसको ही मैंने मल्टीपल यूज के लिए ऐसा एक बनाया गया है। मैंने वो ऑनलाइन मार्केट से मंगाया था, ये ईयर लॉक बोला जाता उसको, ये मैंने ईयर लॉक उस पर लगाऊंगा। ईयर लॉक मैंने फिट किया, ये उसको रोक दूंगा, थोड़ा सा शेक देंगे इसको, ये वो पूरा हुआ है। ये वार्डरोब में मैंने रखा हुआ है, जैसे मैं बैटरी दिखाता हूँ इसको, लो बैटरी हो गया। ये हमने जो मिश्रण रखा था इसको 2 घंटे हो गए। एक्चुअल में मेरा एक्शन कैम का बैटरी डिस्चार्ज हुआ था, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाया, लेकिन ऊपर का जो दिख रहा है फोम, यानी कि एक्टिविस्ट की वजह से वो पूरा फोम ये होने लगा है, अलग होने लगा है। यानी ये 2 घंटे का ही सिर्फ ये है। निकल रहा है। हमने जो मिश्रण रखा था उसमें अभी 5 दिन हो गए उसको,
तो उसमें हम थोड़ा ईस्ट मिलाएंगे नॉर्मली, और जो 1 किलो शक्कर रहा है वो मिलाएंगे, और गेहूँ भी उसमें मिलाएंगे। क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि उसका जो रिएक्शन चल रहा है एकदम धीमा है, तो उसमें हम गेहूँ मिला के उसमें से ज़्यादा अल्कोहल निकालने की ये करेंगे, कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे को लगता है इसमें से 6-7% ही अल्कोहल बनने वाला है। तो चलो उसको डालते हैं उसमें। जो हमारे हमने मिश्रण को अंधेरे रूम में रखा था इस टाइप से ढक के, क्योंकि उस पर सनलाइट आना नहीं चाहिए, और आप देख सकते हैं उसमें जो झाग बना है, एकदम थोड़ा ही झाग बना है। तो मेरा अनुभव ये कहता है कि इसमें ज़्यादा अल्कोहल बनेगा नहीं, वाइन तो बनेगा लेकिन एकदम माइल्ड वाइन होगा वो। अभी तक उसका अगर प्रोसेस आपको और भी रहा हुआ जो शुगर का जो अल्कोहल में बदलने की क्रिया जो ईस्ट कर रहा है, उसको हम निकाल के अपने अभी हमने अभी उसको ढका है। एक्चुअल में यहाँ तो कोई ये सनलाइट आने के चांसेस नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखना कि अगर आप ऐसा मिक्सचर डाल रहे हैं तो उस पर किसी भी हालत में सनलाइट नहीं आना चाहिए। ये आज हम देख रहे हैं 10 दिन के बाद उसका जो फर्मेंटेशन अंदर से चालू है या नहीं देखना पड़ता है हमें 8-10 दिन के बाद। ये देखने का ये है कि इसमें से एयर निकाली जाती है ऐसे, इसके बाद ये अगर ढक्कन इधर आके खड़ा है तो एक दिन के बाद ये पूरा उठना चाहिए। आज उसको 21 दिन हो गए हैं हमारे जो मिश्रण हमने रखा था इसको, इसका जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है एकदम स्लो हो चुका है, और हम उसको अभी 1 या 2 दिन में जो स्पार्कलिंग वाइन का इसका जो प्रोसीजर होता है आगे का वो करेंगे 2-4 बॉटल के लिए। और इसमें से हम एकदम रिफाइन वाइन निकालने के लिए और एजुकेशन पर्पस के लिए हम उसमें से थोड़ा बहुत डिस्टिलेशन भी करेंगे दिखाने के लिए। हम अभी बनाएंगे इसका स्पार्कलिंग वाइन, क्योंकि इसमें ज़्यादा अल्कोहल कंटेंट नहीं होता, तो हम 20-20 ग्राम शुगर जो होता है ये इसमें भरेंगे। ये शुगर का यूज़ ऐसे होता है कि उसका कार्बोनेशन या जो रिएक्शन है ना वो इसके बाद भी स्टॉप नहीं होगा जो स्पार्कलिंग वाइन हम बनाएंगे। क्योंकि कई बार हमने दिखाया था आपको कि हमें स्पार्कलिंग वाइन इसकी बनानी है, तो हम 20-20 ग्राम सिर्फ उसमें शुगर भर रहे हैं। बॉटल का लेवल हम रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि इतना एयर गैप होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर एयर गैप उसमें रहेगा नहीं तो उसमें जो गैसेस बनेंगी वो बाहर आएंगी नहीं।
और जो हमने स्पार्कलिंग वाइन के लिए जो बॉटल ली थी, हमने एक गर्म पानी से धो के लिया था, क्योंकि अगर इसमें कुछ बैक्टीरिया जाएगा तो बैक्टीरिया से क्या हो सकता है कि इसका जो प्रोसेस अभी बनने जा रहा है, ये शुगर फिर जो उसका जो बैक्टीरिया बचा है उसको फिर रिएक्शन में लाएगा और इसमें से कार्बोनेशन में से बनेगा जो कार्बन ऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ही अंडर प्रेशर में रहेगा, तो अंडर प्रेशर में अगर कार्बन डाइऑक्साइड उसमें रहेगा तो ये स्पार्कलिंग वाइन बनेगा। लेकिन उसका बनने का जो पीरियड है, एक महीना या डेढ़ महीने के लिए हमें अंधेरे रूम में रखना पड़ेगा उसको। ये हमने अंधेरे में रखने के लिए, यह भी हम खोलेंगे एक महीने के बाद। ये हमने दूसरा एक जुगाड़ बनवाया था, क्योंकि इसमें से जो भी इसका जो साका होता है, साका इसमें अटकता है तो ये आता नहीं बाहर, इसलिए हमने एक जुगाड़ बनाया है कि इसमें अच्छी अच्छी वाइन हम बाहर से निकाल लें। और ये हमारा बचा हुआ जो मिश्रण था, इसका हम थोड़ा बहुत डिस्टिलेशन करेंगे आपको सिखाने के लिए। एक्चुअल में डिस्टिलेशन करना इंडिया में इलीगल है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, इसको घर पे कभी भी नहीं करना है आपको। ये जो मिश्रण बचा है, क्योंकि हर बार क्या होता है कि इसमें जो गाढ़ापन होता है, ये गाढ़ापन हटाने के लिए हमें ये मिश्रण हम ये क्या करते हैं फेंक देते हैं, क्योंकि इसमें अगर पानी मिला के आप अगर वाइन जैसा पियेंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जितना भी अच्छा वाइन था ये हमने साइड में कर दिया है। और इसके लिए हमने एक डिस्टिलेशन पॉट, जो डिस्टिलेशन वेसल कहा जाता है, ऐसा एक गैस पे रखा हुआ है और इसमें से ये हम पूरा उसका जो जुगाड़ है ये बनाया है घर पे ही, इस टाइप से रहता हो ये सारा। हम ये हमने ऐसा जो जिसमें से वेपर निकलेंगी, ये वेपर यहाँ से इसमें जाएंगी और यहाँ से अपना ये जो एंड है यहाँ से अपना एकदम व्हाइट जैसा वाइन निकलेगा डिस्टिलेशन होके। और ये हमने आरओ का पाइप उसको जोड़ा है, जो आरओ का पाइप है ये पूरा लगा के हम आपको दिखाएंगे। ये हमने डिस्टिलेशन के लिए जो वेसल बनाया था ये पूरा फेल हो चुका। एक्चुअल में यहाँ से हमने जो उबल रहा है ये यहाँ से उबल रहा है, उबलने के बाद यहाँ से वेपर आती है अंदर और ये वेपर इस पॉट में पूरा घूम के हमने मैंने उस पर अभी लीकेज हुआ इसलिए पत्थर रखा हुआ है। इसमें गर्म पानी होता है, यहाँ से ठंडा पानी अंदर जाएगा और यहाँ से गर्म पानी बाहर आएगा। हम यहाँ से पूरा जो आरओ का पाइपलाइन है वो किया है और जो हमारा अभी अल्कोहल निकल रहा है, ये अल्कोहल इतना सारा हो चुका है, इतना अल्कोहल हो चुका है, इतना।